नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। म्यांमार में आंग सांग सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को चुनाव में भारी जीत हासिल हुई है। उन्हें दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। असल में सूची की अगुवाई में म्यांमार लंबे समय से लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन चला रहा है, लिहाजा इस जीत को लोकतंत्र की जीत माना जा रहा है। 2012 में रिहाई मिलने के बाद से आंग सांग सूची ने म्यांमार की राजनीतिक फिजा बदल कर रख दी। लंबे समय से सैन्य शासन से गुजर रहे म्यांमार के लिए यह नतीजा बेहद उत्साहजनक है। विशेष में आज हम मौजूदा चुनाव के बहाने म्यांमार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लोकतंत्र की दिशा में पैर बढ़ाने वाले म्यांमार में आंग सांग सूची की क्या भूमिका रही, आगे की राह क्या है और इस चुनावी नतीजे का दुनिया में क्या असर पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आरएसटीवी विशेष म्यांमार में बदला। म्यांमार में एक बार फिर से लोकतंत्र लौट आया है। 25 साल के लंबे अंतराल के बाद हुए ऐतिहासिक संसदीय चुनाव में विपक्ष की नेता आंग सांग सूची की पार्टी की जीत हुई है। म्यांमार के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने सूची को जीत की बधाई भी दी है। 25 साल बाद म्यांमार में अब लोकतंत्र लौट आया है। हर ओर जनतंत्र की गूंज है। 25 साल बाद हुए संसदीय चुनाव में विपक्षी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत हुई है। नोबेल विजेता आंग सान सूची के नेतृत्व वाली एनएलडी ने भारी जीत दर्ज की है। हालांकि राष्ट्रपति थीन सीन और सेना प्रमुख ने सूची को बधाई तो दे दी है, लेकिन सरकार किस रूप में बनेगी, सेना कितना साथ देगी और लोकतंत्र की ये जीत कितनी कारगर साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हमको ये देखना चाहिए 25 साल में ये पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर हैं। ये कहा जा सकता है जो करीब 20% वहां की जो जनता है, जो मुस्लिम्स हैं, जो रोहिंग्या में रहने वाले हैं, वो डिसइनफ्रेंचाइज्ड हैं, ये सब कुछ बातें कही जा सकती हैं, परंतु फिर भी देखा जाए बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो 2008 में म्यांमार ने अडॉप्ट किया था उसके अंडर किए गए हैं। सरकार की ओर से सूची को यह संदेश भी दिया गया है कि सत्ता सौंपने की पूरी प्रक्रिया बेहद शांतिपूर्ण रहेगी। इसी आश्वासन के बाद अब लोकतंत्र का म्यांमार में वापस लौटना तय हो गया है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि जीत के बाद भी सेना शायद सत्ता सौंपने के लिए राजी न हो, लेकिन सरकार के इस बयान के बाद अब सत्ता पर लोकतंत्र का आसीन होना तय हो गया है। जितने नतीजे आए हैं और जो वहाँ का माहौल बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आंग सान सूची की पार्टी जो है वो वहाँ पूरी मेजोरिटी में आ रही है। मगर वहाँ एक और भी ये है कि आर्मी ने जो ये पूरा प्रोसेस हुआ शुरू डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का, ये अभी तक तो आर्मी वालों की वो थी कि ये मिलिटराइज्ड डेमोक्रेसी थी वहाँ, अब उसको पूरा डेमोक्रेसी होने में टाइम लगेगा। देश में सत्तारूढ़ यूएसडीपी ने 1122 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन एनएलडी के 1123 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। देश में 3 चरणों में हुए चुनाव में देश की 91 राजनीतिक पार्टियों के कुल 6038 उम्मीदवार दोनों सदनों की 498 सीटों के लिए चुनाव मैदान में खड़े थे। इनमें से 310 निर्दलीय उम्मीदवार थे। संसद की 25% सीटें गैर निर्वाचित सैनिक प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सूची की जीत चाहे सुनिश्चित हो गई हो, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो सूची के आगे मुंह बाए खड़ी हैं। उनमें सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रपति पद की है। म्यांमार के संविधान का नियम है कि जिस नागरिक के परिवार के किसी भी सदस्य की नागरिकता दूसरे देश की हो, वो देश के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता। सूची ने ब्रिटिश नागरिक से शादी की है और दोनों बच्चों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। हालांकि सूची का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति जो भी बने, सरकार एक तरह से वो ही चलाएंगी। दूसरी बड़ी चुनौती सूची के सामने सेना है। वो इसलिए क्योंकि सेना इस जनाधार को मानेगी या नहीं, यह अब भी आईने की तरह साफ नहीं हुआ। इससे पहले 1990 में भी सैनिक शासन के दौरान सूची ने जीत हासिल की थी, लेकिन सेना ने इस नतीजे को नहीं माना और उन्हें 20 साल तक नजरबंद रखा। 2010 में उन्हें रिहा किया गया। सूची के नेतृत्व में विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाते हुए
2010 के चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद 2011 में सेना के समर्थन वाली यूएसडीपी सत्ता में आई और तब से देश में यूएसडीपी का ही शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 2-3 दशक से आंग सांग सूची म्यांमार का पर्याय बन गई हैं। देश में लोकतंत्र के पक्ष में संघर्ष करने वाली आंग सांग ने अपने जीवन का लंबा हिस्सा नजरबंद होकर गुजारा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष आंग सांग सूची की पूरी दुनिया में अपने जज्बे और संघर्ष को लेकर एक अलग पहचान है। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफरनामे पर। मौजूदा चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने वाली आंग सांग सूची ने 1989 के बाद ज्यादातर समय नजरबंदी में गुजारा है। 70 साल की सूची ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन इस विरोध के चलते हुई गिरफ्तारियां भी उनके जोश और जुनून को कम नहीं कर सकी। उनका जन्म 19 जून 1945 को बर्मा के रंगून शहर में हुआ। उनके पिता आंग सांग स्वतंत्र बर्मा के संस्थापक कहे जाते हैं। उन्होंने बर्मा को ब्रिटिश सरकार के बंधन से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। सूची जब महज 2 साल की थी तभी उनके पिता की विपक्षी समूह ने हत्या कर दी। सूची का बचपन बर्मा में ही गुजरा, लेकिन जब 1960 में उनकी माँ राजदूत बनकर भारत आई तो सूची भी उनके साथ दिल्ली आ गई। उन्होंने नई दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से 1964 में स्नातक किया। फिर ऑक्सफोर्ड में उन्होंने दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। 1972 में माइकल एरिस के साथ उन्होंने शादी की और म्यांमार छोड़कर इंग्लैंड चली गईं। लेकिन इस शर्त के साथ कि जिस दिन म्यांमार को उनकी जरूरत होगी वो वापस अपने वतन लौट आएंगी। 1988 में बीमार माँ की देखभाल के लिए जब वो म्यांमार लौटी तो वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हुई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी में शामिल होकर उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन छेड़ दिया। सैन्य सरकार ने अगले ही साल उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया। आंग सांग सूची से मिलने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। सब कंट्रीज ने इनका बहिष्कार किया, म्यांमार सरकार का सैंक्शन पास करी इनके अगेंस्ट। तो फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने रियलाइज किया कि म्यांमार को अकेले सिर्फ चाइना के साथ नहीं, ये संभव नहीं है कि पूरा टाइम ऐसा गुजार सकें। तो उन्होंने फिर वो प्रो डेमोक्रेसी शुरू मूवमेंट छोड़ी शुरू हुई, स्पेशली जनरल थेन सेंग के आने के बाद। म्यांमार में राजनीतिक आंदोलन से जुड़ने के बाद आंग सांग सूची सैन्य सरकार की आंखों में किरकिरी की तरह चुभने लगी, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। लोकतंत्र के लिए उनके संघर्ष को पूरी दुनिया ने सराहा। 1991 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में भारत ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग सम्मान दिया। वेनेजुएला ने अंतर्राष्ट्रीय सिमोन बोलिवर पुरस्कार दिया, तो वहीं 2012 में पाकिस्तान ने उन्हें लोकतंत्र के लिए शहीद बेनजीर भुट्टो पुरस्कार से सम्मानित किया। 1991 में उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव में हिस्सा लिया तो उन्हें धमाकेदार जीत हासिल हुई, लेकिन सैन्य सरकार ने उस नतीजे को खारिज कर दिया। 1991 के बाद 2 दशकों तक म्यांमार में चुनाव नहीं हुए, लेकिन 2010 में चुनाव हुआ तो उस चुनाव में आंग सांग सूची को हिस्सेदारी नहीं लेने दी गई। हालांकि 2012 में रिहाई के बाद जब उनकी पार्टी एनएलडी ने चुनाव लड़ा तो 45 में से 43 सीट जीतकर ऐतिहासिक दस्तक दी। 1990 में जब इलेक्शंस हुए थे तो तब उनकी जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने करीब 80% से ऊपर उन्होंने वहां की सीटें जीती थी, और उसके ऊपर ये जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, सैन्य शक्ति ने उनको मानने से, उनके नतीजों को मानने से उनको इनकार कर दिया था। आंग सांग सूची के राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा नजरबंद होकर गुजरा, और इस दौरान उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। 1989 के बाद उन्हें 1995 में पहली बार रिहाई मिली, लेकिन 5 साल बाद फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उन्हें पति माइकल एरिस और बच्चों से अंतिम वक्त में भी मिलने की इजाजत नहीं दी, और आखिरकार 1999 में उनके पति की इंग्लैंड में मौत हो गई।
2002 में फिर उन्हें बिना किसी शर्त के रिहाई मिली, लेकिन हर बार की तरह उनकी रिहाई लंबी नहीं टिक पाई। लेकिन ये वो दौर था जब उनकी रिहाई के पक्ष में पूरी दुनिया में आवाज मुखर होने लगी। 2003 से लेकर 2012 तक उन्हें 6 बार नजरबंद किया गया। 2012 से वो पूरी तरह आजाद हैं और म्यांमार की राजनीतिक तस्वीर बदलने में जोर शोर से जुटी हुई हैं। आंग सान सू ची महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के सिद्धांत से गहरे रूप से प्रभावित हैं और अपने जीवन में उन्होंने इसे बखूबी उतारा भी। 2011 में उनके जीवन और संघर्ष पर लू बेसन ने द लेडी नाम से फिल्म बनाई जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया। आंग सान सू ची इस वक्त म्यांमार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संघर्ष की मिसाल बन गई है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। म्यांमार के लिए आगे की राह आसान नहीं है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए आने वाले दिन काफी मशक्कत भरे होंगे। देश में कई तरह के तनाव अब भी बरकरार हैं और अंदरूनी मामलों के निपटारे के अलावा पड़ोसी मुल्कों के साथ भी संबंध को नई दिशा देने की जरूरत है। म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की एक तरफा जीत के बाद कयासों के तौर पर विराम लग गया है। आंग सान सू ची की अगुवाई वाली एनएलडी ने उम्मीद के मुताबिक भारी जीत हासिल की, लेकिन मौजूदा संविधान के मुताबिक आंग सान सू ची म्यांमार की राष्ट्रपति नहीं बन सकती। वजह बहुत साफ है, सू ची के पति और बच्चों के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, लिहाजा संविधान उन्हें शीर्ष पद पर बैठने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान नई भूमिका में नजर आएंगी। उन्होंने जीत के रुझान के साथ ही स्पष्ट कर दिया कि नई सरकार में उनकी भूमिका राष्ट्रपति से भी ऊपर की होगी। The leader of the government, and if this constitution doesn't allow it, then we'll have to make arrangements so that we can proceed along usual democratic lines. मौजूदा संविधान में सेना आज भी मजबूत भूमिका में है। आंग सान सू ची की राजनीतिक पृष्ठभूमि सेना विरोधी आंदोलन की रही है। ऐसे में सेना के साथ बेहतर तालमेल बिठाना कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। 1989 से 2010 में रिहा होने तक उन्हें ज्यादातर समय सेना ने नजरबंद करके रखा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी फिलहाल ये दावा कर रही है कि वो देश हित में सभी संस्थाओं को साथ लेकर चलेगी। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती तो ये है कि वो पूरा डेमोक्रेसी प्रोसेस को आप पक्का स्थायी रूप से कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। 50 साल से ज्यादा तो वहाँ आर्मी का रूल रहा है, अभी तक डिक्टेटरशिप रही है। अब एकदम से डेमोक्रेसी आना और उसमें हर चीजें, अब जैसे आर्मी अभी भी कंट्रोल करना चाह रही है उनको, तो ये थोड़ी कश्मकश रहेगी अभी तक वहाँ। सैनिक गण है, जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसकी दखल अंदाजी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि जनतंत्र तो आ जाएगा, परंतु जो कैसे राष्ट्रपति वहां पर चुना जाएगा उसमें आर्मी का बहुत हाथ रहेगा, और वहां के जो गृह मंत्री होंगे, वहां के जो रक्षा मंत्री होंगे, वहां के जो बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो सब आर्मी उसमें उनको अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी। हालांकि नई सरकार के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। जातीय हिंसा से जूझ रहे म्यांमार को शांति की दिशा में ले जाना आंग सान सू ची की पहली चुनौती होगी। रोहिंग्या मुसलमानों के बदतर जीवन को पटरी पर लाना उनके लिए आसान नहीं होगा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हालांकि अब तक रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किसी भी तरह के ठोस रोडमैप का खुलासा नहीं किया है। उल्टा एक भी मुसलमान को टिकट नहीं थमाकर रोहिंग्या समुदाय के मन में आंग सान सू ची की पार्टी ने चिंता बढ़ा दी है। बीते दिनों आंग सान सू ची ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार का नागरिक मानने से इनकार कर दिया था, लिहाजा अतिवादी राखिन बौद्ध और रोहिंग्या के बीच तनाव को कम करना नई सरकार की बड़ी चुनौती होगी। प्लोरलिज्म का वहां पर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुश्किलात है, दिक्कत है, क्योंकि 90% वहां पर बुद्धिस्ट हैं
और 4-5% वहां पर मुस्लिम हैं, तो उनके साथ और रोहिंग्याज में, रखाइन स्टेट में, वहां पर हमेशा द्वेष की भावना फैली हुई है और वहां पर क्लेश लगा रहता है। दो ढाई साल पहले अप्रैल 2013 में आपको, आपके दर्शकों को मालूम होगा, जो वहां पर बहुत भयानक मारामारी हुई थी, बहुत सारे मुस्लिम लोगों के घर जला दिए गए थे, वो वहां से उनको पलायन करना पड़ा था। जनता ने जिस तरह प्रचंड बहुमत दिया है, उससे बुनियादी सुविधाओं की बहाली के साथ साथ विदेश नीति तक हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव नई सरकार पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के बाद म्यांमार के सामने कई चुनौतियां थी। देश को विकास की नई राह की तरफ बढ़ना था, लेकिन 1.5 दशक भी नहीं बीते कि सेना ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सैन्य तानाशाही के खिलाफ छोटे बड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन अब तक उन्हें पूरी सफलता हासिल नहीं हो पाई। हालांकि आंग सान सू ची ने बीते 2-3 दशकों से म्यांमार की राजनीति में नई हलचल पैदा की और उम्मीद की जा रही है कि सैन्य गुटों का हौसला अब पस्त हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में औपनिवेशिक सत्ता की जड़ें कमजोर हो रही थी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में दर्जनों की तादाद में देश आजाद हो रहे थे। इसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में भी आजादी ने दस्तक दी और भारत के एक साल बाद 1948 में बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ। लेकिन आजादी के साथ ही देश में अलग अलग समूहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। स्वायत्तता के सवाल को लेकर ये संघर्ष लंबा चला। पहले राष्ट्रपति यू नू के समय ही समूचा बर्मा गृह युद्ध की चपेट में आ गया। एक साल के भीतर पूरा देश जल उठा। गृह युद्ध के हालात के मद्देनजर सेना की शक्ति में लगातार इजाफा हुआ। नतीजा ये हुआ कि 1962 में सेना ने पूरे देश पर कब्जा कर सत्ता की बागडोर थाम ली। 1962 से अगर हम लगाएं तो जनरल नीवेन ने वहां पर सत्ता संभाली थी और एकदम 1988 में आकर फिर से सैन्य शक्ति, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रेशर आया, जो दबाव आया जनता का, उसको फिर रोकने के लिए दोबारा से सैन्य शासन को वहां पर लगाना पड़ा। परंतु 2010-2011 में उन्होंने इसको थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। 1962 के बाद तो 5 दशकों तक बर्मा में सैन्य शासन की तूती बोलती रही। बेहद सख्त रवैया दिखाते हुए सेना ने बर्मा की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा तय की। 1962 से लेकर 1988 तक बर्मा में जनरल ने विन का शासन रहा। 1988 में जनरल साऊ मोंग ने सत्ता संभाली और 1993 तक बर्मा उनके कब्जे में रहा। 1993 से लेकर 2010 तक जनरल थान स्वे के हाथों में बर्मा की बागडोर रही, यानी 48 साल बाद बर्मा महज 3 सेनाध्यक्षों के कब्जे में रहा। अभी तक ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है 50 साल से 20 सालों के बाद। उसके बाद यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 3 बार ही लिखा गया और आर्मी ही लिखती आई है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ये भी पिछली बार आर्मी का बनाया हुआ है। अब वो देखते हैं कि इसमें अब क्या चेंज होता है अब डेमोक्रेसी आने के बाद। सेना का दावा है कि अगर उसने बर्मा की कमान नहीं संभाली होती तो देश गृह युद्ध की चपेट में आकर बर्बाद हो गया होता। लेकिन जानकारों की माने तो इस दौरान न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सैन्य शासन असफल साबित हुआ, बल्कि आर्थिक प्रगति के लिहाज से भी सेना का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर बजट आवंटन घटाकर सैन्य सरकार ने रक्षा बजट में लगातार इजाफा किया। नतीजा ये हुआ कि बर्मा की तस्वीर खराब होती चली गई। आसियान के साथ और पश्चिमी देशों, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, जापान के साथ जब उन्होंने अपने संबंध बनाने चाहे तो 2011 में उन्होंने थोड़ा सा इसको खुलापन देने का प्रयास किया। 2008 में उन्होंने संविधान बनाया जिसमें उन्होंने कहा जो हम एक डिसिप्लिन्ड डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर करेंगे अपने देश को। जनरल नेविन के बाद बर्मा में सैन्य सत्ता को बदलने के लिए जोरदार आंदोलन हुआ।
1988 के बाद बर्मा के शहरी इलाकों में हजारों की तादाद में लोगों ने लोकतंत्र के पक्ष में नारे लगाए। आंग सान सूची को इसी आंदोलन के बाद नजरबंद होना पड़ा। आंदोलनकारियों पर सैन्य सरकार ने सख्ती दिखाई और सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेताओं को सीमावर्ती इलाकों में पनाह लेनी पड़ी। 1991 के चुनाव में जब आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को एक तरफा जीत हासिल हुई तो सेना ने उस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद सैन्य विरोधी आंदोलन गांव-गांव तक फैल गया। आखिरकार 2010 में सैन्य सत्ता का अंत हुआ, लेकिन म्यांमार में संविधान की ऐसी संरचना विकसित की गई कि आज भी सरकार में सेना का मजबूत दखल है। म्यांमार में लोकतंत्र की मजबूती के लिए 3 दशकों से आंदोलन चल रहे हैं, लिहाजा मौजूदा चुनाव के बाद म्यांमार की जनता को उम्मीद है कि अब लोकतंत्र की जड़ें देश में गहराएगी। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धर्म, संस्कृति, कला से लेकर आर्थिक स्तर तक भारत और म्यांमार के बीच बरसों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। हालांकि पिछले 6 दशक में एक दौर ऐसा भी आया था जब रिश्तों में खटास रही, लेकिन वक्त के साथ उस खटास में कमी आई तो रिश्तों में फिर से मजबूती ने जगह बना ली। आज दोनों देशों के बीच अरबों का कारोबार चल रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत और म्यांमार के बीच रिश्तों पर। पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सटा म्यांमार बरसों से भारत के अच्छे पड़ोसी के रूप में जाना जाता रहा है। ब्रिटिश राज का हिस्सा होने की वजह से म्यांमार शुरू से भारत के बेहद करीब रहा और यही सिलसिला आजादी के बाद भी कायम रहा। सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से जुड़े रहे। वक्त वक्त पर भारत म्यांमार की मदद के लिए भी आगे आया, अब चाहे वो आर्थिक संकट हो या फिर क्षेत्रीय विद्रोह हो। हालांकि 60 के दशक में जब म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया तो भारत के साथ रिश्तों में कुछ तल्खी आ गई। भारत ने लोकतंत्र के बहिष्कार का विरोध किया, जबकि चीन ने म्यांमार से नजदीकियां बढ़ा ली। ये वक्त वाकई में बेहद नाजुक था। म्यांमार में बसे सैकड़ों हजारों भारतीयों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। कईयों को गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर किया गया तो कई देश छोड़कर वापस भारत लौट आए। हालांकि तल्ख होते इन रिश्तों में एक मोड़ तब आया जब 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने म्यांमार का दौरा किया। बातचीत का दौर चला, रिश्ते सुधारने के कई प्रयास किए गए लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1988 में एक बार फिर से लोकतंत्र के लिए म्यांमार में विद्रोह हुआ, जिसने फिर से दोनों देशों की सीमा पर शरणार्थियों का संकट पैदा कर दिया। हालांकि कुछ साल बाद 1993 में रिश्तों की इस बार ठोस शुरुआत हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए। इसकी एक ठोस वजह चीन का बढ़ता दखल भी था, जिसे भारत को हर हाल में रोकना था। भारत ने म्यांमार को वक्त वक्त में मदद भी की, कई दफा म्यांमार को आर्थिक सहायता भी दी गई, लेकिन म्यांमार की सरकार के खिलाफ 2 दशक तक चलने वाले विरोध पर भारत चुप रहा। हालांकि अब एक बार फिर म्यांमार में बदलते राजनीतिक समीकरण पर भारत की पैनी नजर है। 2013 में भारत ने म्यांमार को विकास के नाम पर 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी दिया। साथ ही म्यांमार की सेना को विकसित और आधुनिक करने के लिए भारत हर संभव मदद कर रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ दोनों देशों में मजबूत आर्थिक संबंध भी मौजूद हैं। भारत म्यांमार के लिए एक बड़ा बाजार है। हर साल म्यांमार अरबों के सामान को भारत निर्यात करता है, जो म्यांमार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार की एक बड़ी वजह है। भारत म्यांमार का 4th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जबकि म्यांमार के आयात की लिस्ट में भारत 7th सबसे महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच हवाई, जमीनी और समुद्री रास्तों से संपर्क और बढ़ाने के माध्यम तलाशे जा रहे हैं। अनाज की खेती से लेकर आधुनिक तकनीक, स्टील, तेल, गैस जैसे मुद्दों पर पिछले 1 दशक से सहयोग में इजाफा हुआ है।
2001 में दोनों देशों के बीच एक राजमार्ग का उद्घाटन भी किया गया, जो पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार को सड़क मार्ग के जरिए आपस में जोड़ता है। वहीं भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाया जा रहा है, जो 2016 में पूरा होना प्रस्तावित है। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की एक मिसाल हाल ही में देखने को भी मिली थी, जब मणिपुर में भारतीय सेना पर हुए हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। सेना की इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। इनमें ज्यादातर वही उग्रवादी थे जो घात लगाकर 18 जवानों की हत्या करने में शामिल थे। इस पूरी कार्रवाई में म्यांमार की सरकार और सेना ने भारतीय सेना का भरपूर सहयोग दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।